नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। इस वीडियो में आज आप जानेंगे आयुर्वेदिक काढ़ा किस प्रकार से हम आयुर्वेद के अनुसार जो शास्त्रोक्त हमारा जो तरीका है उसे बनाने का वो क्या है। आदरणीय मोदी जी ने भी अपने भाषण में एक काढ़े का जिक्र किया और उसको किस प्रकार से बनाएंगे ये आज मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से जो गाइडलाइन जारी की गई है कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग को करने के लिए, उन औषधियों को किस प्रकार से प्रयोग करें। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए और अधिकांश यही सवाल है कि इन औषधियों को किस प्रकार से और कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, क्या हर कोई इन औषधियों को प्रयोग कर सकता है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ हैं उनको दो कैटेगरी में रखा गया है। एक कैटेगरी है जो रासायनिक औषधि, जो रसायन का काम करती है हमारी बॉडी में, जो हमारी शरीर को स्वास्थ्य वर्धक हैं, जो स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं और आयु को बढ़ाती हैं। दूसरा, चिकित्सा की दृष्टि से जो रोगनाशक औषधि, जो रोग के अनुसार वात पित्त कफ को बैलेंस करती है। हर औषधि अगर किसी भी एक दोष को घटाती है तो किसी को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से ये औषधियों का पूरा जो विज्ञान है इसको समझने के लिए टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट में यही जानें कि हर औषधि को आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो रसायन औषधि हैं उनका प्रयोग, रसायन औषधि हर कोई व्यक्ति ले सकता है अपनी प्रकृति के अनुसार। आयुर्वेद कहता है देश काल और प्रकृति के अनुसार आप मात्रा अनुपात के हिसाब से रासायनिक औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। रसायन औषधियों में कौन कौन सी औषधियाँ आती हैं, जैसे आप च्यवनप्राश की बात करें, च्यवनप्राश रसायन है, एलोवेरा, आंवला, हल्दी, ये सब रसायन औषधि हैं, गिलोय ये रसायन औषधि है। तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, लेकिन मात्रा का ध्यान आपको रखना होगा। तो आज मैं आपको मात्रा के बारे में बताऊंगा कि अगर आप गिलोय का प्रयोग कर रहे हैं तो गिलोय बुलेटी जो आयुष मंत्रालय ने भी जो औषधि लेने के लिए कहा है और जो प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर अभी, हालांकि हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर पहले से ही रिसर्च करके तभी मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए इसको बताया है। ये शास्त्रोक्त हैं, सब शास्त्रों में इनका सबका विधान है किस मात्रा में कितनी औषधि लेनी है। तो ये पूरी रिसर्च हो चुकी है हजारों साल पहले, लेकिन आज का जो रिसर्च का जो मापदंड है वो थोड़ा बदल चुका है। तो उसके अनुसार जो है जो कार्य चल रहे हैं उस पर अभी कुछ समय लगेगा आने में, रिपोर्ट्स आने में। तो आप तब तक इन औषधियों को कैसे प्रयोग करें, आप शास्त्रों के अनुसार जाएं, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है वो एकाट्य है, वो 5000 पहले भी सत्य था और आज भी सत्य और 5000 साल बाद भी सत्य ही रहेगा। उनकी रिसर्च में कभी कोई त्रुटि नहीं होती, क्योंकि जो ऋषि रिसर्च करते हैं वो अलग होती है और जो सामान्य व्यक्ति रिसर्च करते हैं उनकी रिसर्च बदलती रहती है। तो हम बात कर रहे थे कि गिलोय मुलेटी जो आयुर्वेद की जो औषधि कोरोना वायरस के संक्रमण से आपको बचा सकती हैं उन पर हम बात कर रहे थे। गिलोय मुलेटी, अश्वगंधा, चिरायता, कुटकी, इनको हम कितनी मात्रा में लें। आप गिलोय की यदि बात करें, अगर गिलोय की आपके पास लता है, उसकी बेल है, नेचुरल गिलोय अगर आपके पास है, तो उसकी लगभग 5-6 लंबी डंडी आप लें और लगभग 1 से 1.5 इंच मोटी होनी चाहिए। उसको अच्छे से कूट लें, अदरक की तरह जो है थोड़ा कूट के, जैसे अदरक को आप चाय में डालते हैं तो ऐसे ही उसको भी कूट लें आप। और मुलेटी लगभग 2 से 3 ग्राम मात्रा, मतलब 1 से 2 इंच लंबी मुलेटी आप उसका पीस ले सकते हैं, उसको भी कूट लें आप। अश्वगंधा आप 1 से 2 ग्राम अश्वगंधा एक बार की डोज में आप प्रयोग करें। चिरायता बहुत कड़वा होता है तो 0.5 से 1 ग्राम मात्रा इसकी पर्याप्त है। और कुटकी भी आप 0.5 से 1 ग्राम मात्रा कुटकी की भी आप डाल सकते हैं। चिरायता और कुटकी के लगभग समान समान गुणधर्म है। यदि हम इनके गुणधर्मों को देखते हैं तो
मुलैठी जो है वो कफनाशक है और पित्त का भी शमन करती है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती तो भी आप मुलैठी का प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस करती है। अश्वगंधा हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, हमारी बॉडी सेल्स उससे हेल्दी होती है और हमारा स्ट्रेस का लेवल घटने लगता है, हमारा जो हॉर्मोन्स लेवल है वो संतुलन में आता है। चिरायता और कुटकी ये रक्त शोधक है, रक्त शोधक पित्तनाशक है, कफनाशक है कुटकी, चिरायता पित्तनाशक है। तो इनका आप प्रयोग करें जितनी मैंने आपको मात्रा बताई है, इस मात्रा में आप इनको काढ़ा बनाएं। काढ़ा कैसे बनाना है, आप 1.5 गिलास पानी, लगभग 400 ग्राम पानी लें और उस पानी में इन सबको डाल लीजिए, थोड़ा कूट के डालें जो है, और कूटने के बाद उसके पानी में जब आप डालते हैं तो इसको आप ढक दें और गैस को, उसके फ्लेम को आप सिम कर दें, उसको उबलने दें, धीरे धीरे इसको पकने दें, ढक के पकाएं, खोल के नहीं पकाएंगे। कुछ बातें जो शास्त्रोक्त हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ढक के पकाएं, सिम में पकाएं, जल्दबाजी ना करें और इसको फ्रेश पिए, ताज़ा पिए बनाकर। जब वो 100 ग्राम रह जाए, लगभग 100 ml, 400 ml का 100 ml, लगभग 1.5 गिलास पानी लिया आपने और वो आधे गिलास से भी कम पानी रह जाए, तो तब आप इसको थोड़ा छान कर गुनगुना हो आप पी सकते हैं। जो लोग बार बार इसको उबालना नहीं चाहते, वो इसको एक बार 2 दिन की डोज आप एक बार बनाकर फ्रिज में रखना चाहें, लेकिन वो आलसी लोगों का काम है, उसके थोड़ा सा गुण कम हो जाते हैं। यदि आप इसके पूरे गुण लेना चाहते हो तो उसको फ्रेश उबालें और तभी इसको पिएं, यही शास्त्रोक्त है, यही अच्छा है आपके लिए। दूसरा जो काढ़ा हम रेगुलर पीने की बात करते हैं, जिसको हमारे भारत में एक चाय की तरह, जो आयुर्वेदिक चाय का जिसको नाम दिया गया है उसकी तरह हम इसको पीते थे पहले अंग्रेज़ों के आने से पहले, वो कौन कौन सी चीज़ें हमें उसमें लेनी है। आप काली मिर्च भी देखिए, बहुत तरह का जो ज्ञान आज सोशल मीडिया पर जा रहा है और आप उसको देखते रहते हैं और उसको आप कर लेते हैं। कई बार ऐसे कई सारे लोगों ने मुझे बताया कि उनको गर्मी हो गई, देखिए सब चीज़ें ये उष्ण है, गर्म प्रकृति की चीज़ें और अभी मौसम भी गर्म है, तो आपको मात्रा अनुपात का ध्यान रखना है इसमें। तो काली मिर्च आप केवल एक ही पीस लें, अगर किसी को कफ बना हुआ है, नोज ब्लॉक है, तो आप 2 पीस लें बस, इससे ज़्यादा ना लें। आप दालचीनी आप मात्र 0.5 से 1 ग्राम दालचीनी का प्रयोग करें, चम्मच भर के ना डाल दें आप उसमें ना। और ऐसे ही आप हल्दी भी, आप अगर चुटकियों में देखें तो 4 चुटकी आप हल्दी डालें उसमें, और 3 मुनक्का, ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और लगभग आप 1 से 2 ग्राम सौंफ उस पानी में आप डालिए। 400 ग्राम आपको पानी लेना है। लौंग 1 से 2 लौंग, वैसे तो एक ही लौंग डालिए लेकिन अगर आपको कफ है तो आप 2 डाल सकते हैं, और 5 से 7 पत्ते तुलसी के अगर आपको कोल्ड है, नहीं तो आप 3 ही पत्ते डालें तो आपके लिए अच्छा है। इसको आप उबलने दें, उबालने के बाद ढककर उबालेंगे, जब वो 1/4 रह जाए आप उसको छानकर उसमें थोड़ा लेमन डालें आप ऊपर से, और अपने टेस्ट के अनुसार उसमें गुड़ आप मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, या आप उसमें चीनी मिला सकते हैं या शहद मिला सकते हैं, लेकिन शहद ध्यान रहे कि गर्म में नहीं डालना है आपको, जब वो ठंडा हो जाए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब आप उसमें शहद भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ मिलाकर पी लीजिए। तो ये इस प्रकार से आप इसको प्रतिदिन यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को फिर भी ये थोड़ा गर्मी करता है तो उसकी मात्रा को आप कम कर दीजिए, तो आप कम मात्रा कर दें अपनी प्रकृति के अनुसार, इसका मतलब आपकी प्रकृति पित्त की है, तो पित्त प्रकृति वालों को कई बार ये उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार ही इसका प्रयोग करें। और साइंटिफिक तरीके से जब आप आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करते हैं तो उसके 100% रिजल्ट आते हैं। आज कोरोना वायरस में पूरा देश वायरस से पीड़ित हो रहा है, तो हर व्यक्ति आयुर्वेद की तरफ आ रहा है, लेकिन आयुर्वेद का ज्ञान भी सही रूप में आप तक पहुंचना चाहिए। आयुर्वेद को लेकर तमाम तरह की जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने लेबल्स पर आयुर्वेद का ठप्पा लगाया है, और उसकी जो शास्त्रोक्त विधि है उसका ध्यान कई बार वो नहीं रख पाते और केवल सेल के चक्कर में इन सब चीज़ों को आयुर्वेद के नाम पर आपको गलत तरीके से परोस दिया जाता है। तो आप शास्त्रोक्त चलें, शास्त्रों में जो लिखा है वही आपके लिए कल्याणकारी है।
आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और आयुर्वेद का सही ढंग से प्रयोग हो। ऋषियों के अनुसार हमारे शास्त्रों में जो विवरण है उसके अनुसार इसका प्रयोग हो। आप लोग सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।